कासगंज जनपद के ग्राम दीवान नगर में कागजों में ODF हो चुका है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ अलग ही है। अधिकारियों ने जिले को कागजों में ODF कराकर अपनी पीठ थपथपा ली है, लेकिन आज भी जिले के अधिकतर गांव में आधे से भी ज्यादा लोगों के शौचालय नहीं बने हैं, जिसकी वजह से आज भी गांव में महिला और पुरुष शौच के लिए खेतों में जाने के लिए मजबूर हैं। इसी क्रम में जब हमने जनपद कासगंज के गंजडुंडवाड़ा ब्लॉक के गाँव दीवान नगर में शौचालय और विकास कार्यों की हकीकत को जाना तो पता चला कि आधे से ज्यादा लोगों को शौचालय नहीं मिले हैं और गाँव में ODF घोषित होने के बोर्ड भी लगा दिया गया है, जहां आज भी सभी महिलाएं व पुरुष खेतों में शौच के लिए जाते हैं और जो शौचालय बने हुए हैं वह मानक के अनुरूप नहीं है। गांव वालों का कहना है, हमारे गांव में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कीचड़ के रास्ते से निकलते। वहीं शौचालय के अलावा अन्य विकास कार्यों की बात करें तो गांव की कुछ ही गलियों में इंटरलॉक है और आधे से ज्यादा गांव में इंटरलॉक नहीं है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों की माने तो जहां इंटरलॉक नहीं कराया है उसका भी पैसा निकाल लिया गया है। जहां ग्रामीण महिला और पुरुषों का कहना है कि हमने कई बार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन आज तक कोई भी अधिकारी हमारे गाँव में नहीं आए और ना ही गाँव में कोई सफाई कर्मी सफाई करने के लिए आता है, जिसकी वजह से गाँव में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं और गलियों में कीचड़ भरी पड़ी है। जहां गाँव वालों का कहना है, हमारे छोटे छोटे बच्चे कीचड़ के रास्ते से निकलते हैं, जिससे आगे चलकर इन्हें बीमारी भी हो सकती है, लेकिन अधिकारी जानबूझकर अनजान हैं। इसी के चलते योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि हमारे गांव को स्वच्छ बनवाएं ताकि आगे चलकर हमारे बच्चे स्वस्थ रह सकें। अब देखना होगा कि जिले के आला अधिकारी ग्रामीणों की समस्या का समाधान कर पाते हैं कब तक। क्या नाम है आपका? जी केहर सिंह। केहर सिंह, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या आरोप है आपका और किस पे आरोप है? आरोप है ग्राम प्रधान, विद सेक्रेटरी और जो हमारे यहाँ के रोजगार हैं। क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत ये है कि यहाँ से लेके जो वीरेश का घर है, यहाँ से लेके पन्ना लाल के घर तक इंटरलॉक निकाली गई है और उसको लगभग 6 महीने हुए निकाले हुए और यहाँ अभी भी कोई भी कार्य नहीं हुआ है। ये आरोप है, आपने देखा है यहाँ कीचड़, सब लोग ऐसे निकलते हैं उसमें कीचड़ में घुस के। चंद्र सिंह, क्या नाम है आपका? चंद्रपाल सिंह। चंद्रपाल सिंह जी, क्या आरोप है आपका? मेरा आरोप ये है कि सन 2019-20 में नेट पर इन्होंने मेन रोड से माता मंदिर तक का खरंजा नाली निर्माण दिखाया है और 4 लाख रुपए दिखाया है, इसमें एक ईंट नहीं लगी है, पूरा 4 लाख रुपए का गबन किया है। वहीं जब इस बारे में हमने DPRO शहजाद अंसारी से बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में आया है, मैं इस मामले की जांच कराकर सख्त से सख्त कार्यवाही करूंगी। सार किया गया था, बेस टाइम जितने परिवार आते थे उनको सबको शौचालय बनाया गया है। शौचालय ग्राम पंचायत स्तर से बनाया जाता है, ग्राम पंचायत धनराशि उपलब्ध कराई जाती है शासन से और उसमें शौचालय बनाए गए हैं। और क्वालिटी की बात जो आप कर रहे हैं उसको दिखवाया जाएगा और जो भी इसमें दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कुछ परिवार उस समय छूट गए थे, उनको एलओबी फेज फर्स्ट और सेकेंड और एनओएलबी के माध्यम से शौचालय पुनः बनवाया जा रहा है और सभी गांव वर्तमान में शौचालय से संतुष्ट हैं।